हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रदीप कुमार एंड आई एम आल्सो अ स्टूडेंट्स एज यू आर। यस ऑफ कोर्स आई एम अ स्टूडेंट। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी कैसी सिचुएशन चल रही है। जी हाँ, हम लोग एक ऐसे वायरस से घिरे हुए हैं जो जिसने हमारा बाहर जाना ही बंद कर दिया है। ना ही हम ठीक से कहीं जा सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ना ही हम बाहर निकल सकते हैं, ना अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं, ना अपने दोस्त, किसी से भी नहीं। जी हाँ, एंड आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस, प्लीज़ स्टे एट होम, प्लीज़, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। यस ऑफ कोर्स, आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने घर में ही रहना है एंड स्टडी के साथ जी हाँ स्टिक होकर रहना है, जिससे कि आप जून 2020 अटेम्प्ट के लिए इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ, इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ कि कोई भी वायरस आ जाए वो आपको डीमोटिवेट ना करे। जी हाँ, तो आपको स्टडी से स्टिक रहना है। मैं आपको 21 डेज का फुल डे प्लान, यस आपके पास 24 आवर्स होंगे, जी हाँ 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स आप क्या करते हैं, विद इन 24 आवर्स में 7 आवर्स आपको सोना है, जी हाँ 7 घंटे आपका सोना है, यस स्लीपिंग टाइमिंग है आपका। देन उसके बाद फर्दर आपके पास 4 घंटे होंगे जिसमें कि आप सोशल नेटवर्किंग पे जाकर चैटिंग, टिकटॉक, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू विद इन 4 आवर्स। जी हाँ 4 आवर्स आपके पास होंगे। जी 24 आवर्स में से हमने 7 आवर्स माइनस कर दिए एंड 4 आवर्स भी माइनस कर दिए, तो हमारे पास 13 आवर्स बचते हैं स्टडी के लिए, विच आर सफिशेंट फॉर अ वन डे। जी हाँ 13 घंटे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हैं पढ़ने के लिए। वैसे तो बोला जाए जितना पढ़ लो उतना कम है, बट 13 आवर्स इज सफिशियंट। जी हाँ एक दिन आप बस आपको अपने टाइम टेबल से बिल्कुल स्टिक रहना है, जी हाँ चिपक के रहना है एकदम। 21 दिनों का टाइम टेबल ऐसा है जो कि एक बार यूटिलाइज़ कर लिया तो आप इतना कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि बस जो भी हैं हम हैं। जी हाँ बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है। तो मैं आपको अब शेयर करने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से फॉलो करना है। मैंने 21 डेज़ का प्लान, जी हाँ ये 21 डेज़ का प्लान जो आप देख रहे हैं ये मैं आपके सामने शो करूँगा, दिखलाऊँगा किस तरीके से आपको फॉलो करना है। एज ए स्टूडेंट समझकर ही मैंने ये शेड्यूल बनाया है बहुत ही अच्छे तरीके से एंड आई विश कि आप ये बहुत ही अच्छे से फॉलो करेंगे, 21 डेज़ को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। एंड प्लीज़ गाइज ये अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि उनको भी ज़रूरत है ऐसी मोटिवेटेड वीडियो की एंड ऐसे शेड्यूल की। सो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जिस तरीके से वो अपने घर पर रहकर सोच रहे हैं पढ़ाई करनी है कैसे करनी है, कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो। एंड मैं आगे भी ऐसी वीडियोस और आपको मोटिवेटेड करने के लिए डाल दे रहूँगा। जी हाँ थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आई नो आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। जी हाँ आपके सामने CMA सेकेंड ग्रुप इंटरमीडिएट का स्टडी प्लान है 21 डेज का। जी हाँ आपको क्या करना है कि 6 AM उठना है, 6:30 फ्रेश होना है, देन उसके बाद 6:30 to 8:30 AM GST पढ़ना है। जी हाँ कंसंट्रेशन बना रहेगा अगर आप सुबह सुबह फ्रेश होकर फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं तो। देन 8:30 AM to 9 AM आपको ब्रेकफास्ट करना है, देन 9 AM to 11 AM आपको कॉस्ट FM पढ़ना है। जी हाँ कॉस्ट FM आप यहाँ पर कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं या फिर FM भी पढ़ सकते हैं बिकॉज हमने यहाँ पर आगे शेड्यूलिंग कर रखी है, तो आप यहाँ इन दोनों में से कॉस्ट FM कहीं भी आपको जैसा भी सूटेबल लगे आप उस तरीके से पुट कर सकते हैं। जी हाँ देन उसके बाद 11 AM to 11:30 आपको ब्रेक लेना है, देन 11:30
एम टू इलेवन 1 PM अकाउंट्स पढ़ना है। जी हाँ, अकाउंट्स पेपर नंबर 12, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ना। देन 1 PM टू 2 PM आपको ब्रेक लेना है, यू मे टेक रेस्ट। 2 PM देन 3 to 30 PM आपको OMSM पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। देन 3:30 to 4 PM आपको ब्रेक लेना है। देन 4 to 5:30 फिर से कॉस्ट FM, जी हाँ, यहाँ शेड्यूलिंग मैंने आपको बता दी है, जो भी सूटेबल लगे आप उसको पुट कर सकते हो। देन 5:30 to 6 ब्रेक लेना है। देन 6 to 7:30 अकाउंट्स एंड ऑडिट। देन 7:30 to 8:30 SM पढ़ना है। जी हाँ, SM सिर्फ 30% ही है, 1 घंटा सफिशेंट होगा इसको पढ़ने के लिए अगर हम कंसंट्रेशन से पढ़ें तो। देन 8:30 to 9 PM ब्रेक लेना है। देन 9 to 10 आपको फिर से GST पढ़ना है। एंड 10 to 11 रिवीजन करना है माइंड में कि क्या क्या पढ़ा। जी हाँ, आज हमने माइंड में कैसे प्रिपेयर करना है कि हाँ आज मैंने GST में क्या पढ़ा है। GST में सप्लाई पढ़ा है, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ में मैंने डिसीजन मेकिंग टूल्स पढ़े हैं, मार्जिन कॉस्टिंग पढ़ा है। वटैवर जो भी आपने पढ़ा हो उसको एक बार रिवीजन ज़रूर करना है, जिससे कि आपको याद रहे। जी हाँ, एक बार आप ये कोशिश करके ज़रूर देखिएगा। 21 दिन का शेड्यूल ज़रूर फॉलो कीजिए। आई विश, देखना आप कितना कॉन्फिडेंस आएगा 21 दिन बाद। आप लोग, मैं 18th को एक वीडियो डालूंगा और आपके मैसेजेस देखूंगा, कितने मैसेजेस आए हुए हैं मेरे पास कि किस किस ने ये फॉलो किया है शेड्यूल अच्छे से या नहीं। देखते हैं ये लॉकडाउन हमारा स्टडी के साथ कैसा रहता है। सो आज से ही लॉकडाउन हो जाइए, अपनी स्टडी के साथ स्टिक रहिए, भूल जाइए कि कोई हमारे देश में वायरस घूम रहा है। सो प्लीज़ गाइज, स्टे एट होम एंड कीप स्माइलिंग। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।